कबूतर का जो कुंदा होता है भाई, ये भी सूख जाता है। ये है काली मिर्च। सुबह 7 बजे उड़ाए थे, 5 बजे उड़ाए थे। ऐसा नहीं करना आपको। कभी दूसरा भाग पार्ट टू सिर्फ आपके लिए भाई। मैंने पार्ट वन में आपको दो तरीके बताया था, जैसे कि हमारे कबूतर उड़ान कम क्यों कर देते, परवास कम क्यों कर देते हैं। तो वो दो तरीका आपको करना ही है, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में 3 दिन में वापस से वही कबूतर आपके रोलिंग पकड़ लेगा। और दूसरे भाग में जैसे कि फड़कों का टाइम, हम जैसे कि हमारे अभी कबूतर से फड़के ले रहे हैं, कबूतर बुलंदी पर जाके अच्छे दिल खोल के उड़ रहा है, और अचानक से आगे कबूतर छतरी पर बैठ जाता है। तो एक वजह ये भी होती है कि कबूतर जो कुंदा होता है भाई, ये भी सूझ जाता है। जब कबूतर का कुंदा सूझ जाता है, सूजन के कारण भी कबूतर उड़ान नहीं देता है। भले से वो कबूतर शाम तक उड़ने वाला कबूतर है, वो 1-2 घंटे 2 घंटे मार के 3 घंटे मार के आपके छतरी पे आके बैठ जाएगा, जाल पे आके बैठ जाएगा, चोंच फाड़ेगा, है ना, सिर्फ कुंदे के सूजन के कारण। तो ये वीडियो भी भाई बारीकी से देखे, समझे, साथ ही भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से भाई, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, घंटी को ऑल करना है, तभी भाई मेरी पूरी वीडियो आपके पास पहुँचेंगी। और कबूतर बाजी को लेते हुए भाई, मैं बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो जहाँ तक कोशिश यह करें कि आप मेरी हर वीडियो देखें, बारीकी से देखें, समझे भाई, मैं बहुत ही बारीकी से वीडियो बनाता हूँ आपको सिखाने की भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, मैं अपने मन से तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैंने भाई 2 साल मेहनत करा हूँ आप भाइयों के लिए, क्योंकि भाई बहुत समय हो गया था ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था मैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत तरीका बता रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, बड़े से बड़े कबूतर बाज, बड़े से बड़े खिलाड़ी से आप पूछ सकते हो यार, ये जो भाई तरीका बता रहा है ये सही है या गलत है। मैं आपको लिख के दे दूँ, बड़े से बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं हो, वो यही बोलेगा कि नहीं यार सही बता रहा है ये, कबूतर उड़ान अपनी इसलिए कम कर देता है क्योंकि शरीर में पानी कमी हो जाती है, कबूतर अपनी उड़ान कम कर देता है, कबूतर के कुंदे सूज जाते हैं, ये सूजन के कारण भी कबूतर अपनी उड़ान कम कर देता है। भाई आप ये लिख लो, और अपने जितने भी है उन सब से पूछ लो, उसके बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, उससे पहले मत करो। भले से आप कबूतर से जब भी आप फड़के लेते हो ना, आपके कबूतर परंत हो गए, पूरे आपके कबूतर पर आ गए, है ना। पर आने के बाद में आप कुछ दिन तक के कबूतर को छतरी में बिठा कर रखना है, जाल पर बिठा कर रखना है, कि कबूतर के जो खून की कली है वो पूरी भाई सूख जाए। सूखने के बाद में फिर आपको फड़के लेना है दोपहर के टाइम में, या आपको सुबह नहीं लेना है, जैसे कि आप गर्मी के टाइम में उड़ा रहे हो या फिर सर्दी के टाइम में उड़ा रहे हो। सुबह 7 बजे नहीं उड़ाना है कबूतर को, ना ही गर्मी के टाइम में सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं उड़ाना है। ये फड़कों के टाइम का मैं बता रहा हूँ, आपको उड़ाना है दोपहर में 2 बजे 3 बजे कबूतर से फड़क लो। जब वो कबूतर रोलिंग पे आ जाए, कबूतर अपने एकदम आ गया रोलिंग पे, 5-6 घंटे पे आ चुका है, कबूतर सेट हो गया है, तो कबूतर से आप धीरे धीरे उड़ान यानी टाइमिंग घटाते जाना है। जैसे कि आपने 2 बजे उड़ाए, फिर धीरे धीरे करते 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 कबूतर को 10 बजे 9 बजे 8 बजे 7 बजे 6 बजे इस तरीके से आपको लेके जाना है। और मान लीजिए उस बीच में कबूतर ने नखरे कर दिया, एकदम से कबूतर उड़ते उड़ते कबूतर आपके अड्डे पर आके बैठ गया, तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी फ़ोटो शो कर रहा हूँ। ये है काली मिर्च, घरेलू नुस्खा है, देसी नुस्खा है। पहले आपको जो मैंने पार्ट वन में बताया हूँ वो करना है, इंशाल्लाह उससे रिजल्ट मिल जाएगा। और जो मैं आपको अब बता रहा हूँ ये काली मिर्च वाला, दो काली मिर्च को आप बारीक कर लो, पाउडर बना लो, उसके बाद आपको लेना है 10 ml पानी में ये दोनों लौंग डाल देना है, और 2 दिन रात के टाइम में आपको इंजेक्शन के द्वारा जो कबूतर नखरे कर रहा है, जो कबूतर आके अड्डे पे बैठ जाता है, उसको ये 10 ml पानी पिला देना है 2 दिन रात में।
तो इंशाल्लाह भाई वही कबूतर कबूतर जो 10 घंटे 12 घंटे उड़ रहा था, फिर धीरे से उड़ान कम कर लिया, और ये जब जो ये नुस्खा आप दोगे ना भाई, तो इंशाल्लाह वही कबूतर आपकी वापस से उड़ान सही कर लेगा, वापस से आपको रियल उड़ान देगा वो। तो मेरा भाई मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, और जो भी भाई वीडियो बनाता हूँ 100% भाई आपको रिजल्ट मिले, फ़ायदा मिले। तो आप गाइस समझ गए होंगे, कबूतर अपनी उड़ान फड़को टाइम में इसलिए कम कर लेता है। अब हम गलत टाइम पे हमने उड़ा दी है, जैसे कि कई बार ये भी होता है कि कई भाई क्या करते हैं कि दोपहर के टाइम फड़क देते देते एकदम सुबह से उड़ा दिए, यानी 3 बजे उड़ाने वाले कबूतर को कुछ दिन बाद वही कबूतर को आप सुबह 7 बजे उड़ाए थे, 5 बजे उड़ा देते। ऐसा नहीं करना आपको, कभी भी धीरे धीरे टाइम घटाना है, टाइम पे टाइम नहीं उड़ाना है। अब जैसे 2 मिनट के लिए भाई मैं आपको एक तरीका और बताया, तो जैसे कि आप सुबह के टाइम रनिंग करने जाते हो और एकदम से आप टाइमिंग चेंज कर लोगे, दोपहर के टाइम में आप भागोगे या रात का टाइम भागोगे, तो आपको अटपटा लगेगा, आपका दम फूलेगा, ठीक है, आप मैंने वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो सही टाइम पे कर पाते हो। तो इसलिए भाई मैं जो बताया उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, और भाई वीडियो नहीं समझ में आए तो रिवर्स करके आप वीडियो को डबल से देखे सुने, और ये काली मिर्च वाला भाई फॉर्मूला अजमाइए, और इंशाल्लाह वही कबूतर आपका वापस से टाइम बढ़ा लेगा। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह भाई इसी वीडियो का मैं दूसरा भाग भी लाऊंगा, दूसरे भाग में भी आपको और कुछ नया तरीका बताने की कोशिश करूंगा, कबूतर की उड़ान कैसे बढ़ाए, कबूतर को ज़्यादा ज़्यादा कैसे उड़ाए, कबूतर की संभाल कैसे करें। तो भाई वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो नए भाई नए शौकीन उनको भी इसके बारे में मालूम पड़ जाए।